समृद्धि महामार्ग के कार्य के चलते किसानों के खेत में जाने के लिए बनाए गए रास्ते और महामार्ग के नीचे से जाने वाले अंडरपास इतने छोटे हैं कि वहां से बैलगाड़ियों का जाना असंभव है। इसीलिए किसानों को आधा किलोमीटर घूमकर अपने अपने खेतों में जाना पड़ता है। इसी बात की शिकायत के चलते आज शिवसेना आमदार संजय रायमुलकर इनके नेतृत्व में किसानों का समृद्धि महामार्ग के कार्य के विरोध में महकर के समृद्धि महामार्ग के कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू की गई। समृद्धि महामार्ग के चल रहे कार्य के कारण पीढ़ियों से किसानों के जलापूर्ति मार्ग को पूरी तरह से बदल दिया है। खेतों तक पहुंचने का मार्ग और महामार्ग के नीचे से निकाले गए अंडरपास बहुत छोटे हैं, जहां से बैलगाड़ियां जाना भी मुश्किल है, जिसकी वजह से किसानों को अपने ही खेत में जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आज शिवसेना विधायक संजय रायमुलकर के नेतृत्व में किसानों ने समृद्धि हाईवे पर काम के विरोध में महकर स्थित समृद्धि हाईवे कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। समृद्धि हाईवे पर काम के कारण लोनार तालुका के महकर में लगभग 100 किलोमीटर की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। किसानों के लिए तत्काल मरम्मत, पालकी मार्गों, सड़कों की तत्काल मरम्मत के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया गया है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शिवसेना के विधायक इस आंदोलन में क्या भूमिका निभाएंगे, क्योंकि यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जाने जाने वाले समृद्धि राजमार्ग पर काम के खिलाफ है। सर्वप्रथम मी वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने होत असलेल्या समृद्धी महामार्गाचं समर्थन करतोय। एकीकडे या प्रशासनातील अधिकारी आणि त्या ठिकाणचे कॉन्ट्रॅक्टर यांनी जे काही या ठिकाणी समृद्धी मार्ग करत असताना ज्या काही समस्या निर्माण केल्या त्या समस्येच्या विरोधात माझं या ठिकाणी उपोषण आहे। एकीकडे त्यांनी शेतकऱ्याच्या शेतात जाण्यायेण्याचे रस्ते बंद केले, त्यांनी पर्यायी रस्ते द्यावेत, शेतातील नाले नदी नाल्या यांचे प्रवाह बदलले, पर्यायाने शेताचं नुकसान होतं आहे, ते नाले व्यवस्थित करून देण्याची यांनी या ठिकाणी काम करावं। त्याच्यानंतर समृद्धी महामार्गाच्या हेवी वाहनाने जे काही आमच्या जिल्हा परिषदेचे BWT चे जे काही रस्ते खराब झालेत ते रस्ते तात्काळ यांनी दुरुस्त करून द्यावे, एवढ्या तीन समस्या घेऊन मी या ठिकाणी उपोषणाला बसलेलो आहे। आणि ते जर लवकरात लवकर त्यांनी मार्ग लावले नाहीत तर पर्यायानं मी भविष्यामध्ये शिवसेनेच्या वतीने या ठिकाणी तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, याची जबाबदारी प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यावर या ठिकाणी राहील। माझं नाव अशोक तुकाराम मानवतकर, राहणार डोणगाव। मी त्या डोणगावचा मूळ रहिवासी असून आमच्या डोणगावातून शेतातकडे जाण्याचे जे काही पानंद रस्ते होते त्या ठिकाणचे पूर्ण अंडरपास जे होते ते बंद असून त्या ठिकाणून आम्हाला 100 ते 150 मीटरपर्यंत अंतरून दूर जाण्यासाठी शेतरस्ते आहेत। तर त्या ठिकाणी जी गॅसची पाईपलाईन या समृद्धी महामार्गाच्या शेजारून चालली त्याच्यामुळे एवढं खोदकाम झालं आणि काळी माती त्या ठिकाणी निर्माण झाल्यामुळं आजच 8 दिवसानंतर पाऊस पडला तर आम्ही शेतात जाऊन आमच्या शेताची पेरणी करायची किंवा आमची शेती पडीत ठेवायची, हा रस्त्याचा आमचा गंभीर प्रश्न आज या ठिकाणी निर्माण झाला। म्हणून मी आमच्या डोणगाव येथील रहिवाशामार्फत आमच्या भागातील आमच्या मतदारसंघाचे जे लाडके आमदार रायमुलकर साहेब यांनी या ठिकाणी जे उपोषण या ठिकाणी मांडलं त्या डोणगावच्या वतीनं पूर्ण शेतकरी आम्ही या आमरण उपोषणामध्ये सहभागी आहो। आणि हे सहभागी या ठिकाणी असण्याचं कारण की आमचा आजच त्या ठिकाणी रस्त्यात शेतात जाण्याचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे। मीटिंग क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।